और वीडियो को शेयर कर भी अपने दोस्तों के संग, जिससे उनको भी मालूम चले कि आप कितने अच्छे वीडियोस देखते हैं, ना कि अपना टिकटॉक में समय बर्बाद करते हैं। ये मारती नहीं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, और मैं हूं लवलेश कुमार, और हमारे साथ में भारती मैम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं आपको एक छोटा सा लघु उद्योग बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं छोटा सा सामान हमारे पास रखा हुआ है, और इसमें कोई मशीन वगैरह नहीं लगनी है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान है। इन सामानों को आप पहचानते होंगे, नहीं पहचान पा रहे तो अभी आप पहचान जाएंगे। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, भारत में कस्टम्स का काम बहुत तेज चल रहा है, चाहे कोरोना फैला हो चाहे कुछ भी फैला हो। सिर्फ 12-15 दिन के लिए बंद हुआ था, और बाकी फिर से चालू हो गया था। और इसके बाद तो और ज्यादा लोगों ने अपने घर, मकान, खेतों में मकान, सब जगह मकान बनवाना शुरू कर दिया कि अब कोरोना फैलेगा तो हम शहर छोड़कर खेतों में जाएंगे, खेतों वाले जगह शहर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर सभी जगह इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है। तो इसलिए आज इस बिजनेस को हमने एक्सप्लोर किया है। काफी आसान बिजनेस है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी तीन तरह की डाई है, कुछ फर्मे वगैरह है, और ज्यादा कुछ इसमें मशीनरी की जरूरत नहीं है। मतलब आपका कम लागत में आप अपने गाँव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शहर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस टाइप से छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के अपने एरिया में ही सेल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का बिजनेस आइडिया। तो भारती मैम, आप बताएं ये क्या चीज़ है, और कैसे इसमें हमारे जो गांव देहात में छोटे छोटे लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे भी लोग इससे बिजनेस कर सकें। सर, आज जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके आसपास में छोटी छोटी जो लाइट की दुकानें हैं, वहां पर भी इस प्रोडक्ट वो आसानी से बिक जाएगा। ये इसका रॉ मटेरियल है, पाइप है, पीवीसी से पाइप है। इस पाइप से इस प्रकार से इसको अलग अलग इंच में काटना होता है, अलग अलग साइज में काटना होता है। लगभग ये 10-10 इंच में आपको काटना है दोस्तों, ये 10 इंच में आप देख रहे होंगे, तो आपको 10-10 इंच के साइज में आप काटना है। आप काटने के लिए आप आरी से काट सकते हैं, ग्राइंडर से काट सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा काट सकते हैं। और ये वही पीवीसी पाइप है जो आप फिटिंग में यूज करते हैं, आपके हर शहर में मिलने वाला है। जहाँ से आप ये रॉ मटेरियल परचेस कर सकते करते हैं, वहीं पर आप इनको बेच सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये पीवीसी पाइप आपके शहर के जो होलसेलर हैं, जो लाइट विक्रेता हैं, उनके पास से आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको सिर्फ लाना है। आप चाहे आरी से काटे इस पाइप को या ग्राइंडर से काटे, बस 10-10 इंच में काटना है। और मैम, इसके बाद 10 इंच में काटने के बाद इस मटेरियल से इसको कैसे बनाना है, कैसे डिम बनाए, तो उसका थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी सर, ये इसके अलग अलग डाइया है और ये इसका रॉ मटेरियल है। अच्छा, ये रबड़ के हैं इसमें? जी सर, रबड़ के हैं, और ये इसका अलग अलग प्रकार से, मतलब जिस भी साइज में आप काटते हो तो मोल्ड करने का ये अलग अलग है। इसका पूरा प्रोसेस करके बताएंगे कि किस प्रकार से बन करके तैयार होगा। तो मैम, इसमें जो 10 इंच का जो हम पाइप का जो बैंड बनाते हैं, जो लाइट फिटिंग वगैरह में यूज होता है, तो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है? कॉस्ट पड़ती है इसकी 6-7 रुपए, और ये बिकता है 14-15 रुपए का। 14-15 रुपए में, 14-15 रुपए में आपको होलसेल में मिल जाता है, 20 रुपए के आसपास रिटेल में आपको, मैंने आप यदि घर बनवा रहे होंगे तो आपने इसको परचेस की होंगे, काफी मात्रा में लगते हैं। मीन्स आपके जहाँ पर भी दीवार का कॉर्नर होता है तो वहाँ लाइट फिटिंग को इसी से मोड़ा जाता है। यदि आपको ऊपर तार भेजना है तो इसी से आपको भेजना होता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और ये कोई कंपनी के या ब्रांडेड नहीं आते। आप इसमें देख लेना, कोई ऐसा ब्रांडेड नहीं होता। आप इजीली माने हर माने इसका डाई जो है इस तरह से बनाई जाती है कि जो पाइप में आप इस तरह से अटैच हो जाए और आगे बढ़ जाए, तो इस तरह से अटैच हो जाता है और आपकी लाइट फिटिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एक तरह से मैम, इसको पर डे आप मन कितना अप्रोक्सीमेट बना सकते हैं इसमें? पर डे से मैनुअल पावर डिपेंड करता है, वो कितना बनाते हैं, कितनी स्पीड से बनाते हैं। अच्छा हाँ, इसमें मशीन तो कुछ है नहीं है, सिर्फ इसको बनाना है। हाँ, एक साथ इसके अंदर अलग एक साथ में आप बना करके कई पाइप बना करके तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी डाई है इसके लिए? जी सर, बिल्कुल, ये इसकी डाई है, अलग अलग साइज की डाई है। अच्छा, ये इसको बनाने के लिए, और साथ में इसको बैंड करने के लिए डाई अलग आ रही है, ये वाली है सर? जी सर, इसको बैंड करने की, इस प्रकार से बैंड हो जाता है यहाँ से। अभी इसका पूरा प्रोसेस हम आपको करके बताएंगे, ठीक है? और इस तरह का आपको कुछ रबड़ का रॉ मटेरियल मिलेगा बैंड करते समय, जो यूज होना है इस तरह से आपको डाल के इसमें कैसे यूज करना है, ये पूरा रॉ मटेरियल साथ में आएगा। हीटर सिस्टम भी आपको साथ में ही दिया जाएगा इसके। अच्छा, तो इतना पूरा सेट आपको माने व्यूअर्स को मिलना है, इसमें जो आपके फर्मे रहेंगे, डाई रहेंगी, और ये इस तरह की डाई रहेगी, कटर रहेगा, और हीटर सिस्टम रहेगा, पूरा सेटअप साथ में रहेगा। तो फिर मैम, आप बुलाए किसी टेक्निकल के लिए जो हमें इसको बना के दिखा सके? जी सर, बिल्कुल, उसको अभी पूरा प्रोसेस करके बताते हैं।
करने वाला है ऊंची। इस प्रकार 10-10 इंची की पाइप काटने हैं। पाइप काटने के बाद ये जो आप देख रहे हो ये हीटिंग प्रोसेस है, ये हीटर है, इस हीटर के अंदर इन्हें गर्म करना है। नहीं प्लग है ना, इस प्रकार इनको हटा लिया जाता है। ये जो आप डाई देख रहे हो इस डाई के द्वारा ये पाइप मोड़े जाते हैं। पाइप मोड़ने के लिए इस प्रकार के जो प्लास्टिक के जो पाइप आते हैं, रबड़ के जो पाइप हैं, वो पाइप इस पाइप के अंदर डालना होता है। देखते हैं किस प्रकार पाइप डाला जाता है। ये जो प्लास्टिक जो रबड़ का जो पाइप है इस प्रकार इस पाइप के अंदर डाला जा रहा है। अंदर डालने के बाद इस डाई पे इस प्रकार इसको आसानी से बेंड किया जाता है। बेंड करने के बाद इसको पानी के अंदर डाला जाता है जिससे ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद आसानी से इस रबड़ को निकाल सकते हैं। बेंड करने के बाद पानी में डाला जाता है। पानी में डालने से ठंडा हो जाता है। तो बेंड होने के बाद जो अपनी मशीन है इस मशीन के अंदर इस प्रकार लगाया जाता है। इसे लगाने से इसका जो मुंह होता है वो मुंह हीटिंग हो जाता है। इस टाइप के अंदर इस प्रकार इस पाइप को डाला जाता है। डालने से जो इसका जो मुंह होता है इस प्रकार इसका मुंह बनके तैयार होता है। एक तरफ से होने के बाद इस पाइप को दूसरी तरफ से भी इस मशीन के अंदर डाला जाता है। एक तरफ का मुंह बनके तैयार हो गया है, दूसरी तरफ का मुंह बनाने के लिए इसे दूसरी तरफ से वापस मशीन के अंदर डाला जाता है। कुछ सेकेंडों में ये आसानी से हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वापस इसे डाई के अंदर डाला जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ का जो मुंह है वो भी बनके तैयार हो जाता है। देखिए कितनी शानदार तरीके से ये एल्बो बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने आसानी से छोटे छोटे से मोल्ड बनाए, आपके का नाम बैंड बनाए हैं इस मशीन और इस डाइयों से, और बहुत आसान सा बिजनेस है। और ऐसे मान लें आप 5 रुपये भी आपको यदि पर मान बैंड आपको मुनाफा मिल रहा है, और यदि आप 1000 बैंड पर डे आप सेल कर लेते हैं तो आप 5000 रुपये पर डे आप कमा लेंगे सिर्फ आप हाथों से बिना किसी मशीन को लगाए। ज़्यादा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, कोई ब्रांड कंपटीशन नहीं है, इजीली बन जाएगा, इजीली बिक जाएगा और पूरा नकद का पैसा आपके पास आने वाला है। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भारती मैम का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सभी कुछ मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और इसको आप परचेज करके अपना छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करें। तो मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव जानकारी से नए वीडियो में, कुछ नए लघु उद्योग में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।